हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल एलसी टेक्निकल में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बताऊंगा आपके बहुत सारे मोनेटाइजेशन के मतलब यूट्यूब के मोनेटाइजेशन के सिस्टम पे आपके बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। लोग बहुत सारे मेरे से क्वेश्चन पूछ रहे थे कि भाई हमारा चैनल मोनेटाइज होगा या नहीं होगा। इसी बात में हम मोनेटाइजेशन के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं आज के वीडियो में। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। आपके जितने भी डाउट हैं हम मोनेटाइजेशन के, या 4000 घंटे वॉच टाइम, या 1000 सब्सक्राइबर, इस पे कोई भी आपके जो क्वेश्चन है, इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे क्वेश्चन डाउट क्लियर हो जाएंगे। मैं चैनल में एक बूस्ट ला सकते हैं और आपको डर भी दूर हो सकता है, जिससे बहुत सारे बंदों का डर होता है कि हम लोग का चैनल मोनेटाइज नहीं होगा, तो एक साल के अंदर अगर हमारा चैनल मोनेटाइजेशन का इनेबल नहीं होगा तो क्या होगा। फ्रेंड्स, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो मैं इस वीडियो में यही डिस्कस करने वाला हूं। फ्रेंड्स, अगर हमारे वीडियो को अभी तक लाइक नहीं है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हमारे एलसी टेक्निकल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस भी कर दीजिए, वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको क्या करना है कि अगर आपका वॉचिंग टाइम एक साल के अंदर 4000 घंटे का बहुत ही बड़ा माइलस्टोन होता है, क्योंकि अगर आपको चैनल का मोनेटाइजेशन इनेबल करवाना है तो आपको 4000 घंटे और 1000 सब्सक्राइबर की ज़रूरत होती है। सो फ्रेंड्स, अगर आप अपने चैनल का मोनेटाइजेशन इनेबल करना चाहते हैं, अगर आपके 4000 घंटे का वॉच टाइम जो है वो एक साल के अंदर कंप्लीट नहीं होता, तो आपके मन में डाउट होता है कि यार हम लोग का एक साल में एक मतलब 4000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट नहीं हुआ, बट क्या हम लोग का मोनेटाइजेशन के लिए फिर से जो नेक्स्ट ईयर हम आएगा उसमें फिर से हमको जीरो से स्टार्टिंग होगी, ये आपके मतलब क्वेश्चन रहते हैं। सो फ्रेंड्स, इससे कोई डरने की बात नहीं है, इस भी क्या है कि आप कोई भी दिक्कत नहीं लेना। अगर आपने स्टार्टअप किया है मतलब जुलाई 2019 में स्टार्ट मतलब 20 में स्टार्ट किया है, और जैसे कि अगले जुलाई में 2021 में अपना चैनल मतलब मोनेटाइजेशन में आपका एक साल कंप्लीट हुआ, जिससे इसके बाद अगर आप अपने चैनल में मतलब 4000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट नहीं कर पाए, तो क्या कि अगर आपका जो आगे मतलब 2020 या अगर 2 महीने बाद किए मतलब 12 महीने हो गए एक ईयर में, तो एक ईयर के बाद अगर आपके 14 मंथ में कंप्लीट कर पाए, जिससे आपको क्या है कि अगर जब आपको लगे कि हम लोग का जो चैनल है वो हम लोग का बूस्ट अप मार रहा मतलब जो वॉचिंग टाइम है वो बढ़ रहा है अच्छी तरह से, अगर आप काम करते रहिए इससे कि क्या आपकी जो ग्रोथ रेट है वो बढ़ती रहेगी। आप अपने चैनल में काम करते रहिए जिससे आपका मतलब जो चैनल में है वो बढ़ता रहे, ग्रोथ रेट बढ़ते रहेगा, वॉच टाइम भी बढ़ता रहेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको कब सिस्टम ऐसा बोल रहा है कि मतलब जो मोनेटाइजेशन के लिए यूट्यूब ने पॉलिसी ये है कि आप जब मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसके लास्ट मतलब 365 दिन लास्ट 365 दिन के आपका वॉचिंग टाइम गिना जाएगा। फ्रेंड्स, जब से स्टार्ट किए हैं चैनल तब से नहीं, जब से आप अपने मोनेटाइजेशन को अप्लाई करने के लिए भेजा गया है उसके लास्ट 365 दिन का जो वॉचिंग टाइम आया है, जो सब्सक्राइबर आए हैं, उसको गिना जाता है। आपकी स्टार्टिंग में आपका 10 साल पुराना अगर चैनल है तो वहाँ से नहीं गिना जाएगा, आपके जब मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई किए हैं उसके लास्ट 365 दिन। तो फ्रेंड, यही था, अगर आप चैनल को एकदम ग्रोथ रेट कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने काम में कीजिए, जब आपका मतलब वॉचिंग टाइम कंप्लीट होगा आपको लगेगा कि मेरा जो चैनल है वो अब वॉचिंग टाइम खींच रहा है या अच्छे आने लगे हैं, तभी आप मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कीजिए। तो अगर आप इस तरह से अपने यूट्यूब चैनल में डर नहीं पे, आपको ये नहीं डरना है कि मेरा चैनल मतलब वॉचिंग टाइम नहीं आ रहा है, फिर से मेरे को अगले साल स्टार्टिंग से क्लियर करने पड़े, या कि मैंने ये वाला यूट्यूब चैनल डिलीट कर दूँ और न्यू यूट्यूब फिर से नया बनाऊँ, ऐसा कुछ नहीं करना है। आपको उसी तरह से काम करते रहना है, जब आपका वॉचिंग टाइम कंप्लीट हो जाए तो तभी आप एड्स मतलब मोनेटाइजेशन के लिए इनेबल अप्लाई कीजिए। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आने पर
वीडियो को लाइक करना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, जिससे आपके फ्रेंड या दोस्त की ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो सके। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब जय हिंद, वंदे मातरम।